वैश्विक महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा और प्रधान सेवक मोदी जी द्वारा आज के दिन जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। अभी उदयपुर के सबसे व्यस्त उदयपुर चौराहे पर हम खड़े हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि ये वो एरिया है जो आज के पहले ऐसा सुनसान कभी नहीं रहा। आप देखें दूर दूर तक कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। वहीं पर कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े हैं जो आते जाते लोगों को रोक भी रहे हैं और उनसे समझाइश भी की जा रही है कि यदि अति आवश्यक कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकलें, अन्यथा घरों से बाहर नहीं निकलें। हालांकि ये कोई कर्फ्यू नहीं है, लेकिन इसे जनता कर्फ्यू का नाम प्रधान सेवक द्वारा दिया गया है और इसमें जनता कर्फ्यू से तात्पर्य यह है कि जनता अपने आप पर कर्फ्यू लगाए और अति आवश्यक कार्य हो तो ही निकलें। इसमें प्रशासन की किसी तरह से कोई सख्ती नहीं है। वहीं इमरजेंसी सेवाओं की जो गाड़ियां हैं वो यहां पर लगातार आ रही है, जा रही है। स्वच्छता की गाड़ियां, नगर निगम की गाड़ी यहां चल रही है और पुलिसकर्मियों द्वारा उनकी समझाइश भी की जा रही है अति आवश्यक कार्य होने पर ही निकलें। हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी भी हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से सुबह से वह ड्यूटी पर तैनात हैं और अभी तक की क्या स्थिति है। आपको फिर बता दूं कि उदिया पोल पर हम खड़े हैं, यह बस स्टैंड है और यह एक ऐसा एरिया है जो आज के पहले इतना सुनसान और इतना सन्नाटा कभी नहीं देखा गया। यहाँ पर्यटक आते हैं आसपास से और दूर दूर से, यहाँ जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और भीड़ भाड़ वाला इलाका है। सर आपका नाम बताएं। उमेश चंद्र, सब इंस्पेक्टर। सर कितनी बजे से ड्यूटी पर हैं आप? सुबह 6:30 बजे से ड्यूटी पर। सर अभी तक सर क्या स्थिति है, क्या देखा आपने, कितने किस तरह के लोग आ रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल यहाँ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बिल्कुल पूरी तरह 100% बंद है और केवल मेडिकल टीम और पुलिस की टीम गश्त कर रही है और आने वाले जो पर्यटक छुटपुर पर्यटक आ रहे हैं उनको गंतव्य के स्थान पर रवाना करने का प्रयास कर रहे हैं, उन समझा बुझा के। जनता का कर्फ्यू है और जनता का सहयोग ले रहे हैं। सर बिल्कुल जनता से सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है सर। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि उदयपुर की जनता का पूरा सहयोग जिला प्रशासन के साथ है। वहीं जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और इस महामारी से निपटने के लिए उदयपुर का हर एक जागरूक नागरिक इस बार देश के साथ है। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए इजाज़त और लिए चलेंगे शहर के इन्हीं सुनसान गलियों में और इसी तरह के बाज़ारों में जहां हमेशा रौनक रहा करती थी और आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।